क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ चार व्यक्तियों के द्वारा दुकान के अंदर बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के अंतर्गत बलदेव रोड लोहवन बगीची पर स्थित कांति कोल्ड स्टोरेज के सामने हर्ष फोटो स्टूडियो की दुकान में एक 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ चार व्यक्तियों के द्वारा दुकान के अंदर बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी दुकान में बैठकर मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे, जिन्होंने बच्ची को कोल्ड ड्रिंक व नमकीन के बहाने दुकान में बुलाकर घटना को अंजाम दे डाला। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना परिजन व स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना जमुनापार पुलिस व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ थाना जमुनापार में तहरीर दी, जिसमें एक आरोपी गांव गोपालपुर का, तीन आरोपी लोहवन गांव के बताए गए। तहरीर के अनुसार पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। गांव में एक करीब 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला आया है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करके बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दो अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक क्या निकल के आया, कितने लोग शामिल थे? कुल चार लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है, जिसमें दो की गिरफ्तारी हो गई है। बच्ची की उम्र की बात करें तो सर, बच्ची की उम्र जो बताई जा रही है 12-13 साल। सर, बताया जा रहा है अर्धविक्षिप्त भी है उसमें, कुछ मानसिक प्रॉब्लम है बच्ची के साथ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अर्धविक्षिप्त है। जनपद मथुरा के थाना जमुनापार में आज दोपहर एक 12 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके का मुआयना पुलिस फोर्स में सभी उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा भी मौके से अहम साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। बालिका को मेडिकल उपचार के लिए व मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बालिका को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बालिका इस समय पर पूर्णतः स्वस्थ है। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। चार में से तीन अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चौथे अभियुक्त के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अति शीघ्र विश्लेषणात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के दिशा निर्देश संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दिए गए हैं।